सो फ्रेंड्स, हम सबके चाहते हरी भाई हमारे साथ में, और आज हम परीफिश एक्वेरियम में, और आज हम वीडियो बनाने वाले परीफिश एक्वेरियम का। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इनके पास में बहुत सारे फिश का कलेक्शन दिख रहा है। बहुत सारी नई वेराइटीज लाई है आरी भाई ने उनके शॉप में। इनके पास में जो भी फिश है सभी का प्राइस ये हमारे साथ में शेयर करने वाले। उसी के साथ में आरी भाई हमें कुछ नॉलेजेबल थिंग्स भी बताने वाले। तो चलिए जानते हैं आरी भाई से। मैं आप लोग का स्वागत करूंगा मेरी शॉप में, परी एक्वेरियम में। ये मेरी पहली शॉप है परी एक्वेरियम, आप लोग को भी पता है। आप काफ़ी लोग यहाँ पे आके विजिट कर चुके हैं, मुझसे मिल चुके हैं। तो ये मेरी पहली शॉप है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मेरा जो मतलब जो जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया था। तो इंशाल्लाह आगे जर्नी बढ़ती रहेगी और शॉपेस वगैरह खोलते रहूँगा, ब्रांचेस। तो ये मेरा पहला शॉप है जहाँ से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ अनुप भाई के साथ में फिश एंड प्लांट्स पे। और ये मेरा पर्सनल चैनल है, आप लोग को सबको पता है। इसके ऊपर मैं जो भी वीडियो डालता हूँ ये मेरी शॉप का रहता है इसके ऊपर, इसके अलावा किसी का नहीं रहता। तो ये मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद बना रहा, टाइम नहीं मिल रहा था थोड़ा सा। दो दुकान होने के वजह से काम ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो टाइम नहीं दे पाता। अभी भी रात के 12 बज चुके हैं तो मैं स्टार्ट किया, वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ में। तो स्टार्ट करता हूँ। मेरे जो मेरे पास अभी अवेलेबल मछलियाँ है जिसके प्राइजेस वगैरह आप लोग को बताऊँगा क्या क्या मेरे पास अभी शॉप में अवेलेबल है। अभी यहाँ पे मेरे पास स्नेल जो होते हैं ना, जंगली स्नेल, उसको खाने के लिए यहाँ पे लोचेस की वैरायटी अवेलेबल है। बहुत से लोग का प्रॉब्लम है, ये एक वैरायटी है। फिर अंडाज है यहाँ पे, और अंडाज भी आपने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लाया अरे भाई, इम्पोर्टेड वैरायटीज के गोल्ड है ये। यहाँ पे नए प्लांट्स भी आए हुए जो नॉर्मली आप इसको इजीली घर में आपका नॉर्मली आप छोटा सा सेटअप प्लांटेड बना सकते हो, और फिर आपको बड़ा टैंक बनाना है तो आप इजीली हैंडमेड आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा पॉट प्लांट्स हैं यहाँ पे जो नॉर्मली आप इसको रख सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली छोटा सस्ता टाइप का है ये, तो आप इसको निकाल के आप इसको सॉइल में भी लगा सकते हैं। तो चलिए आदि भाई का फेवरेट फिश से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि फाइटो फिश है। हाँ, बेटा फिश के कलेक्शन अभी इस प्रेजेंट में मेरे पास यही है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बेटाज है मेरे पास। काफ़ी लोगों के मुकाबले में, अदर के लोग मुकाबले में काफ़ी अच्छी वैरायटीज के बेटाज होते हैं मेरे पास। तो कंटिन्यू मेरे पास तो फिशेस आती है, और इंशाल्लाह 10 से 11 तारीख को फिर से आपको बेटाज देखने के लिए मिलेंगे दूसरी वैरायटी के। कैंडी और ये सब आने वाले हैं, कैंडी में भी फीमेल फीमेल दोनों आएंगे। तो इसके अलावा आपको ब्लैक क्राउन भी मेरे पास अवेलेबल है अभी इस प्रेजेंट में, और 2 से 4 दिन में 10 या 11 तारीख को मेरे पास फिर से आपको कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए सेकंड वीडियो का आप इंतज़ार करते रहना, तो आपको इम्पोर्टेड वैरायटीज़ की मछलियाँ देखने के लिए मिलेगी। ओके आरी भाई, तो इनका आरी भाई प्राइजेस कैसे है? यहाँ बेटास के स्टार्टिंग मेरे पास 150 से है, और 200 तक के प्राइस है यहाँ पे स्टार्टिंग अभी एस प्रेजेंट में। मून टेल्स है, फुल मून हाफ मून वगैरह सब कुछ है इसमें। तो इन लोग का फुल मून हाफ मून आप लोग को पता ही है कि सिंगल टेल और डबल टेल होता है उसके अंदर, और फुल राउंड में जो खुला हुआ रहता है वो टाइप्स के होते हैं। तो आप लोग तो व्यूवर्स काफ़ी सालों से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग को इतना भी पता है कि फाइटर्स के कलेक्शंस वगैरह मेरे पास काफ़ी अच्छे होते हैं औरों के मुकाबले में। और मेरे प्राइसेस जो है मैं चेंजेस करते रहता हूँ माल की क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे, तो उसके हिसाब से प्राइसेस भी चेंज होते रहते हैं। तो आप लोग के लिए अभी एस प्रेजेंट में मेरे पास अभी 200 to 150 के रेंज में फाइटर्स है। ओके, 150 to 200 के रेंज में आपके पास में फाइटर मेल मिल जाते हैं? मेल। तो ठीक है, आरी भाई के पास में फीमेल भी है, तो आरी भाई इनका कैसे प्राइसेस है? फीमेल आपको 100 to 150 के रेंज में मिल जाती है, एडल्ट फीमेल ब्रीडिंग टू रेडी रहती है, ब्रीड टू रेडी। तो ये वाली आपको 100 rupees or 150 के पर पीस के हिसाब से मिल जाती है, डिपेंड है साइज के हिसाब से। अभी तो फिलहाल 100 rupees पर पीस के हिसाब से है। तो आरी भाई अपने पास में अरवाना भी दिख रहा है? यहाँ पे 6 inch का अरवाना है, 850 rupees पड़ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास 8 inch का अरवाना 1200 rupees पड़ेगा, वो सेकंड वाली परी में। तो आरी भाई अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि लोगों को थोड़ा सा ग्लोइंग में ऐसा कुछ चाहिए कि जैसे कि टैंक की तरफ देखे तो ऐसे चमकता हुआ कोई फिश चाहिए, तो उसमें कुछ है अपने पास में वैरायटीज ग्लोइंग के लिए? मेरे पास बॉब्स की वैरायटी है, टेट्रा की वैरायटी है। बॉब्स में फ्लोरोसेंट टाइगर बॉब्स है, एक लेमन में है और एक पाइनएप्पल में है, दो टाइप्स के टाइगर बॉब्स है। उसके अलावा यहाँ पे टेट्रास है, विडो टेट्रास। वाओ, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल में दिख रहा है अरे भाई, इनका तो कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में। यहाँ पे मिक्स लॉट है, अगर आप डजन में लेंगे तो 450 फॉर डजन में आएगा, 450 rupees डजन में मिल जाएगा पूरे है ना। एक्चुअली येलो ग्रीन ब्लू पिंक कलर में है, बहुत बढ़िया। और एक बात आप लोग को बोलना चाहूँगा इस वीडियो के चलते हुए, मैं हमेशा एक बात नॉलेजेबल देते रहता हूँ वीडियो के अंदर प्राइस बताने के बावजूद, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखें प्लीज़, इसके अंदर एकदम छोटा साइज़ जो आता है ना, एकदम बारीक साइज़ का वीडियो आता है, प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, उसको ना पाले, क्योंकि उसके अंदर मोर्टेलिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, क्योंकि मैच्योर नहीं होता है वो।
तो वो थोड़ा अनहेल्थी होता है। तो प्लीज़ आप ध्यान में रखें, एकदम बारीक साइज़ का वीडियो ना खरीदें, मीडियम साइज़ का वीडियो लें। वो आपके पास क्या है, थोड़ा हेल्थी रहेगा तो टिकेगा। अभी ये जो साइज़ है इसका डबल होता है, वो मिनिमम वीडियो 2 इंच तक का जाता है, 2 इंच से प्लस होता है वो, बट 2 इंच तक उसका पकड़ के चलो, 2 इंच का साइज़ होता है। तो मेरे पास और भी साइजेस की, तो वो वाली भी है। इसके अलावा ज़ेब्रा है, फ्लोरोसेंट ज़ेब्रा है यहाँ पे, बीच में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ज़ेब्रा है। ज़ेब्रा जो आपको 284 डजन में मिल जाएगा, ये वाला मिक्स कलर में है मेरे पास, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है। एक टाइम था कि ये ज़ेब्रा कलर में आना, जब स्टार्टिंग हुआ था तो इसके काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस थे, और जैसे जैसे नया मच्छी जब लॉन्च होता है तो उसके प्राइजेस ज़्यादा होते हैं। जब ये कचरा होने लगता है, सब जगह कचरा हो जाता है, सब जगह ही मिलने लगता है, तो इसके प्राइजेस ज़मीन पे आना चालू हो जाते हैं। दिखने में भी बहुत ही प्यारा दिख रहा है अरिबे, और वो एक्टिव फिश है। हाँ, स्टार्टिंग में जब ये नया निकला था तो काफ़ी बहुत लोगों ने इसको पाल चुका है, जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो ये तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा ये है कि यानी साइज इतना ही रहता है, यानी गप्पी जितना ही रहता है बस, लेकिन किसी को एक्टिव फिश चाहिए छोटा वाला, तो ये वाला बेस्ट फिश है उनके लिए। आप छोटे टैंक के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप नॉर्मली छोटे टैंक है आपके पास, तो प्लीज़ बड़ी मच्छी या शार्क वगैरह ना पाले। और इसके अलावा बहुत से लोग को नॉलेज नहीं होता है, ऑस्कर वगैरह छोटी सी टैंक में डाल देते, कोई कुछ भी डाल देता, बेचने वाले को ही दे देते 1 फुट के टैंक के लिए। बराबर है, ओके। कोई जो है पौंड की मच्छी है, बड़ी हो जाती है, मिनिमम 2 फुट का, 3 फुट के, 4 फुट के, 3 फुट तक की चली जाती है वो, तो प्लीज़ ध्यान रखें, थोड़ा अवॉइड कीजिए छोटी मछली के लिए, छोटे टैंक के लिए, आपको उसकी मच्छी पालने खूबसूरती के लिए। यस, है ना। और अरे भाई, इसके बाद में दिख रहा है बहुत ही प्यारा फिश दिख रहा है, ये कौन से टाइप के? ये बाप से मेरे पास पाइनएप्पल है। बाप भी अभी आ गए फ्लोरोसेंट में। हाँ, बाप भी आ चुके हैं अभी तो फिलहाल नए में, तो आपको डजन मिलेगा तो 5-4 डजन में पड़ जाएगा, 100 रुपीज पैर में आपको आ जाएगा इसके। और आरी भाई, इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर वाला, बाद में फिर इसमें थोड़ा सा फ्लोरोसेंट अलग अलग दिख रहा है। तीन टाइप्स के बाप से इसके अंदर, एक फ्लोरोसेंट है, और टाइगर वाला जो है स्ट्राइप वाला वो वाला, और एक पाइनएप्पल वाला है। ओके ओके, बहुत ही प्यारे दिखने में, बहुत ही प्यारे दिख रहे। और आरी भाई, यहाँ पे एक वीडियो का ही वैरायटी दिख रहा है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी साइज़ की है नॉर्मल के मुकाबले में, तो ये भी आपको 454 डजन में मिल जाएगी, बड़ी साइज़ के थोड़े अच्छे। ओके, तो फ्लोरोसेंट में आपने बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लाया, किसी को कलरफुल में यानी फ्लोरोसेंट में फिश चाहिए तो उसमें भी वेराइटीज लगी है, बहुत ही बढ़िया आरिफ भाई। तो आरिफ भाई, छोटे टैंक में छोटी फिश रखने के लिए अपने पास में कुछ है गप्पी को छोड़ के? मौली की वैरायटी आएगी आपको, नॉर्मली आप रखना चाहते हैं, बहुत से लोगों को बच्चे जब मछलियाँ बच्चे देते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। ओके, तो अच्छा, नॉर्मली आप मौली भी रख सकते हैं। मौली मतलब एक काफ़ी अच्छी मच्छी है, बहुत सी कॉमन मच्छी है, बहुत से लोग पालते हैं इसको, इजी है इसका पालने का भी तरीका। ज़्यादा डीप साइफन करना नहीं है, ज़्यादा पानी चेंज नहीं करना है आपको, 50% तक पानी चेंज करें, जब भी पानी चेंज करें नमक डालें, डिक्लोरेशन डालें। मच्छी अच्छी है, बच्चे देती है, बच्चे देने के बाद कभी कभी फीमेल भी मर जाती है, उसका इशू क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो इशू नहीं है, बट फिर भी ये बच्चे देती है। आप लोग को बच्चे इसके पालना है तो आप बच्चे अलग से निकाल के आप उसको ऑक्सीजन डाल के आप उसको फीडिंग करके बड़े कर सकते हैं। ओके यार, तो इनका प्राइसिंग कैसे है रुपये? आप अगर डजन मिलेंगे तो आपको 204 डजन में मिल जाएगा, मिक्स डजन में। हाँ, ब्रीडिंग साइज है, बड़ा साइज है ये, नॉर्मल जो कॉमन साइज होती है बारीक साइज की, इससे बड़ी साइज है, एडल्ट साइज में ये रेडी टू ब्रीड है। ये वाली आपको 204 डजन में मिल जाएगा, मिक्स कलर मिलेगी, आप ब्लैक एंड व्हाइट और गोल्डन वाली आप की भी, और ब्रीडिंग साइज की गप्पीज भी है फीमेल में, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको टैंक में नजर आ रही है इस टैंक में। ओके, ये एडल्ट साइज में है, ब्रीडिंग रेडी टू ब्रीड, जिसको ब्रीडिंग करना है उसके लिए फीमेल भी है। फीमेल काफ़ी अच्छी है, कल ही मैंने हमारे एक कस्टमर को दिया था भाई को, तो उनके पास ब्रीड हो गई। ओके, रेडी पोजीशन में अच्छी गप्पीज है ये, तो अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी ये। अगर आप डजन मिलेंगे तो 900 डजन में मिलेगी, पैरिंग मिलेंगे तो 200 पैर में आएगी। ओके, और अभी भी यहाँ पे भी गप्पी फिश का कलेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये जो गप्पीज है आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये वाली गप्पीज रेड टक्सीडो गप्पी आपको डजन मिलेगी 300 डजन में मिल जाएगी, 300 रुपीज डजन मिल जाएगा। मेल फीमेल बोथ इसके अंदर दोनों है, आपको 300 डजन, यानी जिनको स्टार्ट करना है अभी टैंक वगैरह तो वो ये फिश बिगिनर के लिए बेस्ट है गप्पी, ज्यादा पानी चेंज नहीं करना होता है, 30-20% पानी चेंज करे, जितना चुना पानी रहेगा उतना बेस्ट है। और अरिफ भाई, ये जो एल्डर गप्पी वगैरह बोलते हैं वो है क्या अपने पास? एल्डर गप्पी भी है मेरे पास, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में दूसरी गप्पीज भी आएगी एक्जोटिक वैरायटीज में, अल्बिनो रेड आइज वगैरह मिक्स लॉट में आएगी, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो अगले वीडियोस के लिए प्लीज वेट कीजिए, तो आ जाएगा इंशाल्लाह।
तो आरी भाई ये वाली एल्डर गप्पी है, ये गप्पी, इसको एक्चुअल एडलर गप्पी बोला जाता है। एडलर गप्पी के जो फिन होते हैं पीछे के, जो वी टाइप के होते हैं, तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और औरों गप्पी के मुकाबले में ज़्यादा हेल्थी और ज़्यादा अच्छी रहती है, थोड़ा मोटिलिटी प्लांटेड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बेस्ट है। अगर किसी इंसान को प्लांटेड नहीं करना, मतलब ब्रीडिंग नहीं करना है, तो उसके लिए बेस्ट है ये गप्पी, और दिखने में काफ़ी खूबसूरत, छोटी सी कलरफुल होती है ये। वो रेड श्रीम नज़र आ रहा है आपकी वीडियोज़ में, आप देख रहे हैं इसको, ये रेड श्रीम है। रेड श्रीम आपको लेके तो डजन में आपको 454 डजन में मिल जाएगा। ओके, तो श्रीम्स की बहुत सारी वेराइटीज़ है आरिफ भाई आपके पास में? अभी तो इस प्रेजेंट में मेरे पास आने वाली है, 10 से 11 तारीख को इंशाल्लाह दूसरी वेराइटी आएगी, तो वो भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आरिफ भाई थोड़ा सा श्रीम्प की कैसे केयर लेते हैं इसके बारे में भी हमें एक आधी वीडियो में बता दीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा श्रिम्प के ऊपर रहेगा, श्रिम्प के ऊपर आपको परी एक्वेरियम की शॉप में आपको टर्टल भी मिल जाते हैं। ये वाला रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है, आपको मिलेगा 400 रुपीज़ ईच के हिसाब से। ये टर्टल अवेलेबल है परी एक्वेरियम 2 की शॉप में। भाई एंजल में अपने पास में कुछ वेराइटीज है? एंजल में इस शॉप के अंदर मेरे पास नॉर्मल मार्बल और स्कार एंजल अवेलेबल है यहाँ पे। तो स्कार और मार्बल एंजल आपको नॉर्मल वैरायटी में आप डजनिंग लेंगे तो 300 डजन में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा सेकंड में मेरे पास ब्लू डायमंड एंजल है बाहर की दुकान में, लेस एंजल है वेल्टेल में, अच्छा साइज का क्वालिटी का, उसका भी वीडियो इंशाल्लाह मिलेगा, तो वो भी है मेरे पास अवेलेबल। वो वाला आपको 154 पीस के हिसाब से मिलेगा 300 पैर में। और इसके अलावा यहाँ पे जेड ब्लैक एंजल है और मोनो एंजल्स हैं। ये वाला है आरिफ भाई जेड ब्लैक, यहाँ पे जेड ब्लैक एंजल है, आपको 75 पीस के हिसाब से मिलेगा, 154 पैर में आपको आ जाएगा ये, आप डिपेंड, आप क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो रेट चेंज। ओके, और मोनो एंजल भी है अपने पास? मोनो, हाँ, तो आरिफ भाई यहाँ पे मोनो एंजल भी दिख रहे हैं आपके पास में? यहाँ पे मोनो एंजल है, मोनो एंजल का अच्छा साइज है, 125 इंच के हिसाब से आपको पड़ जाएगा, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एंजल मोनो सेट है। इसके अलावा स्कैट है मेरे पास, स्केट जो डॉट वाले, हाँ डॉट वाली बच्ची वो स्केट है, वो स्केट आपको 154 इंच के हिसाब से पड़ेगा, 150 रुपीस इंच के हिसाब से मिल जाएगा ना। स्केट और मोनो एंजल आराम से रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों साथ में रखते हैं आप इसको, चाहिए तो आप इसको नॉर्मली चिकलेट वगैरह के साथ में भी रख सकते हैं। अरे भाई यहाँ पे भी मोनो एंजल का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है आपके पास में, ये थोड़े बड़े साइज के मोनो एंजल है, तो आपको ये पड़ जाएंगे 150 इंच के हिसाब से, 150 रुपीस इंच। तो मोनो एंजल का आरिफ भाई अगर हमें सेटअप करना है तो कैसे कुछ नॉलेज? मोनो एंजल अगर आपको करना है तो आपको नॉर्मली इसके लिए मरीन की सैंग यूज़ करना पड़ेगा, नीचे वाइट वाली जो मिलती है, थोड़ी सी कॉस्टली है बट काफ़ी सारा, काफ़ी खूबसूरत लुक आएगा मरीन का। उसके अलावा आप इसके अंदर रॉक वगैरह डाल सकते हो, रॉक के अंदर हॉलो रॉक और फिश बस, बाकी कुछ नहीं, आपको लुक आ जाएगा आपका पूरी सैंग में। और आप ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगा दीजिए बैक साइड में, तो ब्लैक कलर का ये थोड़ी मच्छी उठ के आ जाएगी। और इसके अलावा आप कोई भी बैकग्राउंड लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका मरीन का लुक बनाना है तो आपको इसके अंदर नमक डालना ज़रूरी है। तो आप जब भी पानी चेंज करते हो फिश के अंदर तो आपको नमक डालना है, नॉर्मली नमक डालो, एक्चुअली कन्वर्ट है फिर भी आपको ब्रैकिश वाटर है तो आपको नमक डालना पड़ेगा। तो आरिफ भाई इसमें डॉलर फिश दिख रहा है, बहुत सारा डॉलर फिश है, इनका कैसा प्राइसिंग है? ये बहुत सारा डॉलर है जो आपको 300 डजन में मिल जाएगा, अगर आप पैरिंग मिलेंगे 30 रुपीज़ है पैर में आपका। और आरिफ भाई इनको क्या मोनो एंजल के साथ रख सकते हैं? हाँ साइज अगर आपका अच्छा है तो आप मोनो एंजल में इसको रख सकते हैं। ओके, और मॉन्स्टर फिश के साथ में अगर बड़ा वाला डॉलर है तो आराम से रख सकते हैं? हाँ मॉन्स्टर के अंदर आप रख सकते हैं बड़ा साइज का, आप अरवाना के साथ में भी डॉलर डाल सकते हो, इसके अलावा आप टिन फॉइल वगैरह या फिर आप इजीली यूज कर सकते हैं मॉन्स्टर में। डॉलर ऐसा फिश है कि बहुत सारे फिश के साथ हम डिस्कस में 2.5 इंचेस का साइज है लोग का, अभी फिलहाल स्पेशल 654 पीस चल रहा है लोग का, मिक्स लॉट है इसके अंदर, चेका बोर्ड रफलेशिया वगैरह, पॉडो ब्लू डायमंड वगैरह, टर्कोइज वगैरह, स्किन लेपर्ड, स्पॉटेड लेपर्ड वगैरह मिक्स है इसके अंदर, तो ये वाले आपको 654 पीस के हिसाब से मिलेगा इंशाल्लाह। अभी जैसे गर्मी का दौर चालू हो जाएगा तो डिस्कस के काफ़ी सारे लॉट उठाऊंगा, बेबीज भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। अगले वीडियो में आप बने रहना, मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, उसके अंदर इंशाल्लाह मैं डिस्कस के बेबीज उतारूंगा। और गर्मी आ चुकी है तो अब बेबीज़ जो लेने वाले जो लोग हैं, जो मेरे चैनल्स देखते हैं, जो काफ़ी लोग मुझसे मिल चुके हैं, उन लोग का तहे दिल से शुक्रिया बोलूँगा, थैंक्स बोलता चाहता हूँ। और जो मेरे शॉप पे आते हैं, जो मेरे एकदम खास है, मेरे फ्रेंड हो चुके हैं महाराष्ट्र के बाहर से, ऑल ओवर इंडिया से जो मुझसे कनेक्ट हैं, उन लोग को बहुत दिल से थैंक्स और शुक्रिया, वो जो मुझे लाइक करते हैं और मुझसे मतलब कनेक्ट में है। ओके, और आरिफ भाई यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा फिश का कलेक्शन लाया आपने, इम्पोर्टेड गोल्ड है ये IMP, और ये इस प्रेजेंट में आपको 2000 रुपीज पर पीस के हिसाब से मिलेगा, 2000 रुपीज पर पीस। हाँ, इसके अंदर अपची है, ट्राई कलर है, पांडा है, मिक्स में इसके अंदर वराइटीज़ है, तो आपको ये 2000 ईच में मिलेगा,
और ये गोल्ड की नॉर्मल गोल्ड के मुकाबले में कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत से लोगों को चेन्नई कलकत्ता के जो गोल्ड होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आप 10 नॉर्मल गोल्ड रखते हो तो आप 2 गोल्ड ये रखेंगे तो बहुत बेटर है, बहुत बहुत डिफरेंट है। क्या है कि ये गोल्ड के अंदर मैं आप लोग को बता दूं कि ये गोल्ड काफ़ी टाइम तक लंबे लोग के जाइंट में आते हैं, ये लोग के साइज़ भी नहीं 10 से 12 इंच की जाती है, बड़े साइज के होते हैं ये, और पालने में भी काफ़ी खूबसूरत। अगर आप पालना ही चाहते हो और आपके पास टैंक है तो आप 2 भी रख दिए तो इनफ है ये टैंक के अंदर। ओके, और आरी भाई इसके बाजू में ये यहाँ पे ये लोचे से ये वाइलोच, इसको पाकिस्तानी लोच बोलते हैं इसको, तो ये आपको बॉटम ईटर है, ये लोचेस की वैरायटी, वाइलोज बोलते हैं, योयो लोज बोलते हैं इसको पाकिस्तानी लोच है। तो ये वाली वैरायटी आपको स्नेल जो होते हैं आपके टैंक में वो वाले आपके स्नेल खाती है ये। बहुत से लोगों का प्लांटेड टैंक का तो इशू होता है, नॉर्मली जंगली प्लांट्स खरीदने के बाद स्नेल हो जाते हैं, तो बहुत से लोग स्नेल रिमूवर यूज़ करते हैं, लिक्विड आता है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में गिरने की वजह से मच्छियों के मोर्टिलिटी होने के भी चांसेस होते हैं, तो बहुत से लोग किलर स्नेल वगैरह डालते हैं। बाद में होता है किलर स्नेल डालने के बाद क्लियर स्नेल की आबादी बढ़ जाती है और बाद में ये स्नेल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हिसाब से आप लोचेस डालेंगे तो आपके स्नेल खाने का काम करेंगे, बॉटम ईटर का भी काम करते हैं आप इसको। आप इसको नॉर्मली प्लांटेड में भी डाल सकते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये 50 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिलेगा। लगते हैं प्लांट्स के अंदर दिखने के लिए, आप अगर इसको प्लांटेड में डालेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ अलग सी वैरायटी है इस टाइप में, टाइगर लोच वगैरह भी बोलते हैं इसको। तो आरिफ भाई इसमें भी जो गोल्ड फिश है उसका वैरायटी दिख रहा है यहाँ पे, ये जो गोल्ड है ये वाले इसको कॉमेट गोल्ड बोला जाता है। कॉमेट गोल्ड जो है आपको 200 इंच के हिसाब से मिलेगा, बड़ा साइज है, 5 से 6 इंच का साइज है लोग का। आप इसको नॉर्मल गोल्ड के मुकाबले में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ओके, और अरे भाई यहाँ पे फिर से हमें डिस्कस का कलेक्शन दिख रहा है। हाँ, ये थोड़े बड़े साइज के डिस्कस, 3.5-4 इंच के साइज है लोग की, तो आपको ये 1500 इंच के हिसाब से मिलेगा, 1500 रुपीज इंच पर इसके हिसाब से। इसका स्नेस्किन लेपर्ड है इसके अंदर, स्पॉटेड लेपर्ड है, टर्कोइज वगैरह मिक्स है इसके अंदर। बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है अरे भाई। और यहाँ पे जो फिश है ये वाली, यहाँ पे बाला शाह के अमेरिकन डेड नाइट से इसके अंदर हमने टाइगर बॉक्स डाला हुआ फ्लोरसेंट वाला एक। ओके, तो इन लोग के प्राइस बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो बाला शार्क आपको नजर आ रही है बड़ी साइज की, आप 200 इंच में ले लेंगे इसको। ओके, 400 रुपीज़ पैर में आपको दे दूंगा ये मैं। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको अमेरिकन डेड नोट्स नजर आ रही है, 400 इंच में आपको मिलेगा, 400 रुपीज़ इंच में मिल जाएंगे। तो अरे भाई यहाँ पे कौन से टाइप के फ्लोरन है ये? शॉर्ट बॉडी फ्लोर और गोल्डन बेस, ये मेरा चौथा लॉट आ चुका है यहाँ पे, इससे पहले भी मेरे पास थे, मैंने बेच मारा। अब ये वाले तो आप लेंगे तो आपको ये पड़ जाएगा 150 पर पीस के हिसाब से, 150 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। यस, ये भी शॉर्ट बॉडी फ्लोरन थोड़े से पॉपुलर हो रहे हैं। शॉर्ट बॉडी फ्लोरन नॉर्मल फ्लोरन के मुकाबले में पालने में काफ़ी अच्छा लगता है, और दिखने में कैसे शॉर्ट बॉडी होता है ना, थोड़ा सा एक कार्टून टाइप कुछ लगता है ये, जब बड़े होते और अच्छे लगते हैं, जब आप इसको पैरेट के साथ में भी डाल सकते हो। हाँ, यानी पैरेट और ये थोड़ा सा दिखने में, हाँ चिकले के टैंक में डाल दो इसको, बेस्ट लगता है, अच्छा में एक अलग लुक आता है। हाँ, आप इसको सेपरेटली पालेंगे तो भी अलग सा थोड़ा सा लुक रहेगा, थोड़े गोल मटोल से घूमते फिरते अच्छे लगते, गोल मटोल से रहते उसके वजह से। ये 1500 रुपए पर पीस के हिसाब से आपको मिलेगा, साइज के हिसाब से डिपेंड है। तो यहाँ लेके ये वाला आपको बड़ा साइज का मिलेगा, मिनिमम इसका 7-8 इंच का साइज है, ये वाला आपको 2500 रुपीज में मिलेगा। अगर किसी को छोटे साइज में चाहिए तो वो भी लाए आपने आरिफ भाई? यहाँ पे कैमिल फ्लोरन है, यहाँ पे देखेंगे आप, आपको ये 354 पर पीस के हिसाब से मिलेंगे। कैमिल के वैरायटी जो अलग टाइप्स के फ्लोरन होते हैं जिसके बॉडी पे शाइनिंग होता है, ये वाली वैरायटी पे अवेलेबल है, तो 350 रुपये पर पीस के हिसाब से आपको मिलेगा, 350 रुपये पर पीस। और यहाँ पे भी दिख रहा है आरिफ भाई? हाँ, मेरे पास लॉट है काफ़ी, तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। शाइन करते ही है ना इन लोग की बॉडी, ज़्यादा शाइन करती है। वहाँ पे देखेंगे तो आपको, आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लोरन, नॉर्मल फ्लोरन जो होता है जिसमें लाइन होती है, फ्लावर हॉर्न होते हैं, तो उसका इसके जो बॉडी के स्केल देखेंगे तो चमकते हो। बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लाया, किसी को भी लेना है तो ले सकता है, 350 रुपीज़ पर पीस। तो आरिफ भाई पैरेट फिश का भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है अपने पास में, इनका कैसा प्राइसिंग है? पैरेट मेरे पास सेकंड में परी 2 में भी माल है थोड़ा सा, अभी मैं बोला हूँ ना आपको 11 से 12 तारीख को इंशाल्लाह माल उतरेगा, तो वैरायटी और देखने के लिए मिलेगी पैरेट में। तो यहाँ पे देखेंगे पैरेट मेरे पास अभी ये बाई कलर पैरेट से जो आपको 450 पर पीस के हिसाब से 900 रुपीज़ पैर में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे पास रॉटकिल शिवरम है, वो टैंक के अंदर आप देखेंगे, रॉटकिल शिवरम है, रॉटकिल शिवरम 400 पैर में आपको मिल जाएगा, 400 रुपीज़ पैर में। तो आरिफ भाई हमने पैरट फिश तो देखा, पैरट फिश का आपके पास में कलेक्शन है, बट पोलर ब्लू पैरट जो आता है वो आजकल बहुत ज़्यादा यानी लोग उसको पसंद कर रहे हैं और इजी टू ब्रीड है, तो क्या वो वाला फिश भी अपने पास में है?
पोलर ब्लू पैरेट मेरे पास अवेलेबल है, तो उसके अंदर क्या खासियत है कि उसकी साइज़ ज़्यादा बढ़ती नहीं है। बहुत से लोग पैरेट जब लेते हैं, नॉर्मली पैरेट येलो या कोई भी कलर में लेते हैं, तो पैरेट कम से कम 7 से 8 इंच तक के जाते हैं और वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। और जो पोलर ब्लू पैरेट है कम सेमी एग्रेसिव में आते हैं, तो वो उसको ईजिली रखने के लिए आप उसको कम रख सकते हो उसको, तो वो अलग अवेलेबल है मेरे पास, वो भी बताया था आपको। यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत ही प्यारे क्यूट दिखते हैं छोटे से। अगर आप ओनली फॉर पोलार ब्लू या वाइट पोलार या फिर आप ये कलर में ब्लू पैरेट में आप रखेंगे तो भी आपका टैंक काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। छोटा सा एक नाना सा टैंक बना के आप इसको इजीली पाल सकते हो। और ये मच्छी का साइज़ मिनिमम मेरे हिसाब से 2.5-3 इंच तक का जाता है लोग का साइज़, तो ये बहुत बेस्ट है पालने के लिए। थोड़ा स्ट्रॉन्ग मच्छी है, चिकलेट फैमिली से बिलोंग करते हैं ये भी, तो ये वाले आपको 125 के हिसाब से पड़ेंगे। 125 रुपीज़ ईच, यानी प्राइस भी कम है और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और ब्रीडिंग भी इजीली हो जाता है। दैट्स अ बहुत ही बढ़िया सा कलेक्शन लाया अरे भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में अभी फिलहाल बोलर ब्लू पैरोट। जी, बहुत सारे लोग अभी नॉर्मली पैरेट नहीं रख पाते तो उनके लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। और आरी भाई इसमें व्हाइट वाला आता है वो है क्या अपने पास? तो आरी भाई ये वाला है व्हाइट वाला पोलर। ये व्हाइट वाला मैं बोला ना आपको, मेरे पास थोड़ा सा कम स्टॉक है तो ये सिर्फ मेरे पास 2-3 पीस ही पड़े हुए, बाकी के सेल हो चुके हैं। ओके, तो यानी दोनों अच्छे दिखते हैं, ये वाला भी दिखता है अच्छा और व्हाइट वाला भी अच्छा है, दोनों दिखने में काफी खूबसूरत है। सेम प्राइस है ना? सेम प्राइस है दोनों का। परी फिश एक्वेरियम की जो नई शॉप है वहाँ पे भी आपको मॉन्स्टर फिश की वैरायटीज देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पिराना है, डॉलर है, गुरामी फिश भी है इनके पास में, वेलटेल एंजल फिश भी है इनके पास में, रेड वाली गप्पी फिश है, एंजल फिश की वैरायटीज है, क्लाउन लोचेस है, ए ग्रेड फ्लोहॉर्न है, पफ फिश है, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज है परी एक्वेरियम 2 में। तो अरे भाई ऑस्कर फिश का तो ऑलवेज ही बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन रहता है और ऑस्कर फिश जो है वो मॉन्स्टर फिश में आता है, तो बहुत सारे लोग उनको बाय करना चाहते हैं उनके मॉन्स्टर टैंक के लिए। तो आप आपके पास में जो ऑस्कर फिश का कलेक्शन है थोड़ा सा शो करेंगे हमें? अभी जो परी 1 में मेरे पास अवेलेबल है उसके अंदर मेरे पास मैंगो है, कॉपर है, टाइगर है और मोज़ेक है और अल्बिनो टाइगर है इसके अंदर, ये दुकान के अंदर। तो मैं आप लोग को वीडियो में बताता हूँ, आइए। यहाँ पे देखेंगे मेरे अंदर मिक्स लॉट है, यहाँ पे टाइगर कॉपर एंड मैंगो टाइप का ऑस्कर है इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर जो बड़े साइज़ के जो कॉपर है वो बड़े साइज़ में वो आपको 400 ईच में मिलेगा। इसके अलावा जो मैंगो वैरायटी ऑस्कर है वो वाले को 200 ईच में मिलेंगे इसको। okay. 400 to 800 पैर के हिसाब से आपको मिलेंगे बड़ी साइज़ का ऑस्कर, छोटे बड़े साइज के है ना अभी। और यहाँ पे देखेंगे छोटे, यहाँ पे पैटर्न वाले ऑस्कर है यहाँ पे और फायरेड ऑस्कर है, तो ये वाले आपको मिल जाएंगे समथिंग 200 ईच के हिसाब से, 400 पैर में मिल जाएगा। ओके, 400 रुपीज़ पैर में मिल जाएगा ना? यस। और आगे भी यहाँ पे भी दिख रहा है ऑस्कर फिश का कलेक्शन आपके पास? यहाँ पे भी मैंगो ऑस्कर एंड थोड़े से मोज़ेक ऑस्कर इसके अंदर मिक्स है, तो ये वाले आपको 500 रुपीज़ पैर में मिल जाएंगे। 500 रुपीज़ पैर में मिल जाते हैं ना? यस। गोल्ड फिश भी आपके पास? हाँ, यहाँ पे वरंडस गोल्ड है, वरंडा गुलाब को 300 रुपीज़ पैर में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पल्स स्केल नजर आ रहा है आपको। ओके, पल्स स्केल, पल्स स्केल भी आपको 300 रुपीज़ पैर में मिल जाएगा। ओके, पल्स स्केल को अपने नॉर्मल गोल्ड फिश के साथ में रख सकते हैं? एक्चुअल गोल्ड फिश की वैरायटी तो गोल्ड फिश में रहेगी, प्रॉब्लम नहीं होता है, आप गोल्ड में कोई भी वैरायटी रख सकते हो ट्रॉपिकल फिशेज में, तो आपको इशू नहीं आएगा कुछ। पल्स स्केल का बहुत ही बड़ा पेट हो जाता है ना अरे भाई? उन लोग का शेप ही वैसा है कुदरती, तो उन लोग का पेट मोटा सा होता है, बॉडी छोटी सी शॉर्ट बॉडी टाइप के होते हैं वो, तो दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं इधर भी आप लोग को नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैक सोमा कैटफिश है जो सन कैटफिश बोला जाता है उसको, तो ये वाले 454 पैर में आपको कैटफिश मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है ये वाले अमेरिकन डेडनॉइड से, ये वाला आपको 400 पैर में मिल जाएगा 200 में। बहुत ही प्यारा दिख रहा है अरे भाई, इनका साइज बड़ा होता है क्या? ये एक्चुअल मॉन्स्टर में आता है, थोड़ा सा का साइज भी 7 से 8 इंच का होता है, तो यानी मॉन्स्टर में हम रख सकते हैं इसको। हाँ, इजीली रख सकते। परी फिश एक्वेरियम में तो ऑलवेज ही टेट्रा फिश का बहुत सारा कलेक्शन रहता है, तो इस बार भी मुझे दिख रहा है बहुत सारा कलेक्शन, तो इनके कैसे प्राइसेस है अरे भाई और कौन से टाइप के फिश है इसमें? यहाँ पे मिक्स लॉट जो टेट्राज मैं एक ही टाकी में रखता हूँ हमेशा, आप लोग को सबको पता है। और मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, टेट्रा जो वैरायटी है मैंने बहुत सी जगह पे देखा हूँ कि हम लोग जो है ये टेट्रास को डेफनिया और ट्यूबीफ्लैक्स वगैरह फीड करते हैं इन लोग को, तो इन लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हम लोग के टेट्रास होते हैं औरों के मुकाबले में। क्या होता है कि भाई पब्लिक जो है सस्ते के चक्कर में, चीपेस्ट प्राइस के चक्कर में सूखे हुए समझे, और दुबले पतले से एकदम मतलब एकदम कमज़ोर से टेट्रास खरीदते हैं। तो मैं आप लोग को प्लीज़ बोलूँगा एक चीज़ ध्यान में रखें, आप पैसे के
चक्कर में ना जाए प्लीज़, और माल थोड़ा सा मच्छी जो भी खरीदेंगे टेटा फैमिली और कोई भी मच्छी खरीदें थोड़ा हेल्थी टाइप की खरीदें, सूखी मच्छी ना ले प्लीज़। क्या होता है कि मच्छी सूखी भी रहती है तो उन लोग की साइज़ थोड़ी सी स्टंट हो जाती है, मोर्टेलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आप लोग को इसके अंदर वराइटीज़ बता देता हूँ। इसके अंदर मेरे पास मिक्स लॉट है, चेरी बॉब टेट्रा है, रबिनोस टेट्रा है, ब्लैक फैंटम है इसके अंदर, माउंटेन बिनर्स है, नियॉन टेम्पोस है। तो इनके प्राइसेस कैसे आ रहे हैं? इसके अंदर आप लोग को 354 डजन में आपको फैंटम मिलेगा, ब्लैक फैंटम। इसके अलावा रबिनोस टेट्रा आपको 450 डजन में आएगा। इसके अलावा नियॉन टेम्पो 450 डजन में आएगा। इसके अलावा मेरे पास हर्लिक्विन भी है, हर्लिक्विन राजबोरा। हर्लिक्विन राजबोरा आपको लेके तो अच्छा साइज़ का एडल्ट साइज़ में आपको 754 डजन में आएगा। इसके अलावा नियॉन टेम्पो आपको 450 डजन में आएगा। चेरी बॉब टेट्रा लेके वेल्टेल में आपको आ जाएगा 450 डजन में। और इसके अलावा कार्डिनल टेट्रा बड़ा साइज़ का, उसके अंदर आप लोग देखेंगे वीडियो में आपको नज़र आएगा थोड़ा सा दूर दूर तक है वो कार्डिनल टेट्रा। इसके अंदर बड़ा साइज़ का लेंगे तो आपको 604 डजन में आएगा। ओके, और अभी भी यहाँ पे नीचे भी दिख रहा है, यहाँ पे पोस्टा टेट्रा है, ब्लैक फैंटम बड़ा साइज़ का है। पोस्टा टेट्रा जो है काफ़ी अच्छा दिखता है, दिखने में काफ़ी प्लांटेड में खूबसूरत दिखता है। आप ये लेंगे तो आपको पड़ जाएगा ये 750 रुपये डजन में आपको आ जाएगा। Okay. और इसके अलावा ब्लैक फैंटम है, रमिनोज, अभी तो फिलहाल रमारोजी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। रमारोजी की वैरायटी और भी मेरे पास बलून में भी अवेलेबल है, और इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में या दो चार दिन में और रमिनोज रमारोजी आएगा। तो ये वाला लेके 125 इंच के हिसाब से आएगा रमारोजी। और यहाँ पे अभी आदि भाई ये बलून रमारोजी है, बलून रैम से बड़ा सा इसका, तो ये वाले लेंगे आपको 250 पर पीस के हिसाब से पड़ेगा। 250 पर पीस, एक्चुअली इम्पोर्टेड वैरायटी है बलून में, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है। नॉर्मल रमारोजी के मुकाबले में ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और नॉर्मल रमारोजी काफ़ी कलर में खूबसूरत नहीं होते हैं, थोड़े से लाइट कलर में और फीके पड़े हुए रहते हैं, तो उनकी खूबसूरती ज़्यादा नहीं होती है इनके मुकाबले में आप देखेंगे। हाँ, ये वाला जो है रैम फिश बलून वाला, और ये वाला जो नॉर्मल वाला रैम फिश है उसमें टोटली डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल में कलर ज़्यादा नहीं होते, जैसे एग्जांपल लोकल में आप लेते हो ना, जैसे कि रामारोजी होते कलकत्ता चेन्नई से जो आते हैं नॉर्मल टाइप्स के, बोलना नहीं चाहिए अल्लाह माफ़ करे, तो मगर वो चीज़ है कि कलर में काफ़ी खूबसूरत नहीं होते। और नॉर्मल जो इम्पोर्टेड वैरायटी में जो रामारोजी होती है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर में होते हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत। आप अगर आप 10-12 पालने के बजाय दो भी पालेंगे खूबसूरत चीज़ तो अच्छा लगेगा टैंक के अंदर, थोड़ा सा टैंक को लुक आ जाएगा। आदमी मच्छी खरीदता है टैंक के लुक के लिए खरीदता है, ये नहीं कि भाई कुछ भी उठा के ला कर अपने टैंक में डाल रहा है कचरा उठा के, तो मतलब नहीं। मुझे लगता है कि भाई कुछ पाले, जैसे एग्जाम्पल मैंने मेरे खुद के शॉप के अंदर ये 1 में और 2 में मछलियाँ रखा हुआ, आप लोग देखे रहेंगे मेरे शॉप में आने के। यहाँ पे देखेंगे बड़ा सा इसका आपको फैंटम नज़र आ रहा है, ये वाला 400 डजन में आपको मिलेगा। पोस्ता 750 रुपये डजन में मिलेगा आपको। व्हाइट फिन टेट्रा लेके 450 डजन में आएगा आपको। और यहाँ पे मिक्स लॉट है, थोड़ा सा देखेंगे रेम्बोस की वरायटी आपको लेंगे, 450 डजन में आएगा। ओके, और अरे भाई यहाँ पे बाजू में जो है ये वाला, यहाँ पे मेरे पास नियॉन टेट्रा है, थोड़ा बड़ा साइज़ का ही है। नॉर्मल नियॉन टेट्रा जो जीरा साइज़ का होता है, बारीक साइज़ का, उसमें मॉर्टेलिटी होने के चांसेस है। गर्मी आएंगी इंशाल्लाह तो अभी नियॉन टेट्रा काफ़ी मॉर्टेलिटी होगी पब्लिक के पास, तो मेरे पास बड़ा साइज़ का नियॉन टेट्रा आपको 304 डजन में मिलेगा, मीडियम साइज़ का। इसके अलावा अल्बिनो कॉरी लेंगे आपको डजन में 500 डजन में मिलेगा। इसके अलावा पैरिंग मिलेगा तो 154 पैर में मिलेगा। कॉरी में अपने पास में और कोई कॉरी टाइप का है? कॉरी में स्टर्बी है, ग्रीन कॉरी है सेकंड में परी में, और इसके अलावा पांडा कॉरी 12 तारीख को इंशाल्लाह। राजीव भाई यहाँ पे कौन से टेट्रा चाहिए? यहाँ पे अंबर टेट्रा और कार्डिनल टेट्रा है। ओके, अंबर टेट्रा है भाई, बहुत ही रेयर फिश है ये तो। अंबर टेट्रा 450 डजन में मिलेगा आपको, और ये प्लांटेड में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता है, बहुत ही प्यारा दिखता है। अरे भाई जब भी प्लांटेड में डाल देते हैं ना पूरा रेड कलर आ जाता है इस पे। ये इम्पोर्टेड वाला अंबर टेट्रा है, इसके अंदर लोकल भी आता है जो कलर इतना ज्यादा नहीं होता है, तो ये अच्छी क्वालिटी के मैं रखता हूँ, ज्यादा करके बाहर का रखता हूँ, लोकल वाले मच्छियाँ ज्यादा कलर नहीं देती तो थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। तो प्राइजेस में बहुत चीप प्राइस होते हैं उनके, तो प्लीज़ मैं हर बार बोलता हूँ वीडियो में थोड़ा अच्छा रखो, कम रखो, अच्छा रखो। ओके, तो 450 डजन में आपको अंबर टेट्रा पड़ेगा, और आपको 500 डजन में आपको कार्डिनल टेट्रा पड़ेगा मीडियम साइज का। ओके, कार्डिनल टेट्रा है ना अरे भाई? यस। तो अरे भाई यहाँ पे भी गोल्ड फिश का वैरायटीज दिख रहा है, यहाँ पे मीडियम गोल्ड, ब्लैक गोल्ड और शुभम कीन है। थोड़े अच्छे क्वालिटी के शुभम कीन है ये। नॉर्मली शुभम कीन जो आप लोग ने देखे रहेंगे कलर से फैंट होते हैं, तो ये आपको 100 रुपीज़ पर पैर में मिलेगा, डजन में लेकर 454 डजन में आएगा। इसके अंदर ब्लैक गोल्ड भी है, नॉर्मल गोल्ड भी है। नॉर्मल गोल्ड लेंगे 60 रुपीज़, हाँ ब्लैक गोल्ड है।
वास्तु के हिसाब से रखा जाता है, नव के अंदर एक, आठ के अंदर एक नव रखते हैं ना, वो उस टाइप में काम आता है ये ब्लैक वास्तु के लिए। तो ग्रह शांति वगैरह वास्तु के लिए बहुत अच्छी मच्छी है ये, गोल्ड वगैरह रखते हैं, अरवाना रखते हैं, फ्लावर रखते हैं बहुत से लोग, तो ये भी आप रख सकते हैं। तो आपको 100 रुपीज पैर में और समथिंग आप डजन में लेंगे तो 450 डजन में आ जाएगा। इसके अलावा कोई की वैरायटी अवेलेबल है यहाँ पे आप देखेंगे, कोई देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये मिक्स लॉट है, इसके अंदर बटरफ्लाई है, वाइट बटरफ्लाई है यहाँ पे, नॉर्मल भी है, मिक्स भी है यहाँ पे, तो आपको 100 रुपीज पैर में आपको मिल जाएगा बटरफ्लाई, कोई भी ले लो। हाँ 100 रुपीज पैर में, डजन में लेंगे तो 450 पर डजन में मिलेगा। ओके 450 में। ये व्हाइट वाला बहुत ही प्यारा है यार भाई, बटरफ्लाई काफी खूबसूरत लगते हैं जब ये मूविंग करते हैं ना। आप टैंक बना दिए, बड़ा सा इसका टैंक बना लो 3 फुट का, तो जब वो मूविंग करते हैं ना काफी खूबसूरत लगते हैं बटरफ्लाई वाले। नॉर्मल कोई के मुकाबले में काफी अच्छे लगते हैं जब इनकी जब मूविंग होती है ना, तो उनके बैक साइड के जो मरमेट जैसे दिखते हैं वो काफी खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारे दिखते हैं, परी जैसा लगता है। और अरे भाई यहाँ पे भी कोई फिश का कलेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ी बड़ी साइज की कोई है, थोड़ी मीडियम साइज की, वो थोड़ी छोटी थी समथिंग 3-4 इंच की वो है, और ये इससे बड़ी रहेगी 5-6 इंच की रहेगी। तो ये लेंगे तो आपको 200 रुपीज फोर पैर में मिल जाएगा, 200 रुपीज पेयर में मिल जाएगा। यस, बहुत बड़ा साइज है अरे भाई, और 200 पेयर में यानी प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल है। काफ़ी लोगों का थोड़ा सा बड़ा मच्छी रखने का इरादा होता है तो उन लोग के लिए बेस्ट है, मोर्टलिटी कम होने के चांसेस होते हैं, तो आप ये कोई रख सकते हैं, काफ़ी बेस्ट है। ओके और अरे भाई यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है, यहाँ पे शार्क की वैरायटी है, शार्क वाइट वाला ब्लैक वाला शार्क है, तो ये दोनों शार्क आप लोग ने काफ़ी बहुत जगह पे देखे रहेंगे। जब स्टार्टिंग आदमी मच्छी पालता है तो शार्क उसको चिपका दिया जाता है, दुकान वाले देते हैं उसको बिगिनर के लिए, तो उनके लिए ये शार्क दी जाती है। तो शार्क आप लोग ने देखा रहेगा बचपन से, काफ़ी लोगों ने देखा रहेगा, तो शार्क आपको 60-70 रुपीज़ पैर में मिल जाएगा। ओके 60-70 रुपीज़ में सबसे कम प्राइस में यही मिलेगा। और इसके बाजू में अरे भाई घोस्ट की वैरायटी, ब्लैक घोस्ट। ओके ब्लैक घोस्ट नाइफ भी बोलते हैं इसको काफ़ी लोग, बहुत से अलग अलग एक्चुअल नाइफ ये नहीं है, जो नाइफ जो होती है वो लेज़र होती है ना उसको नाइफ बोला जाता है, बट ये ब्लैक घोस्ट है, इसको बहुत से लोग फेदर फिश भी बोलते हैं, बहुत से लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है इसको। तो ब्लैक घोस्ट है ये, आपको लेंगे तो पैर में लेंगे तो 250 फॉर पैर में मिलेगा, 250 रुपीज़ पैर में। ओके और इनको खेलने के लिए आपने रखा है, खेलने के लिए आप उसको कैविटी मतलब कुछ भी दे सकते हैं, मतलब जैसे कि उसको पाइप वगैरह डाल सकते हैं आप उसको, या फिर कोई भी स्टैचू डाल दिया तो भी होता है, नॉर्मल आप पीवीसी पाइप भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके और यहाँ पे यहाँ तो आरी भाई इसमें कौन सा गुरामी फिश दिख रहा है? हाँ गोल्डन गुरामी, ब्लू गुरामी इसके अंदर, और इसके अलावा सकर्स की वैरायटी है, सकर्स मीन प्लैको, प्लैको ब्लैक एंड गोल्डन है मेरे पास ये वाले, आपको 50-150 रुपीज़ के पैर में आपको अल्बिनो सकर मिल जाएगी, डिपेंड ऑन द साइज़ आप क्या लेते हो। मेरे पास बहुत सारी साइजेस है सकर के अंदर अवेलेबल। गुरामीज आप लेंगे ये वाली मूछे वाली मेल, तो आपको पड़ जाएगा ये 60 रुपीज़ के पैर में, 60 रुपीज़ पैर में कोई भी गुरामी लो इसमें से। यस ओके गुरामी फिश कौन से इसके लिए अच्छा है अरे बाउल के लिए बेस्ट है, और विदाउट ऑक्सीजन में भी चलने वाली मच्छी है। अगर आप नॉर्मली बिगिनर हो तो आपका बच्चा अगर आपको परेशान करता है तो आप उसको एक गुरामी दे सकते हैं। ये मच्छी की खासियत ये है कि ये नॉर्मल शार्क वगैरह जो चिपका देते हैं वो शार्क को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, छोटी सी टाकी में आप पाल नहीं सकते, नॉर्मल बाउल में बच्चे के लिए आप इसको दे सकते हैं। अरे भाई इसके साइड में ये फिश दिख रहा है ये कौन सा है? यहाँ पे पिराना है, पिराना अभी थोड़े से बच गए, हाँ पिराना अभी दो ही बचे मेरे पास, तो थोड़े सेल हो गए, आपको लेंगे तो 254 पैर में, 4 इंच का साइज है, 250 रुपीज़ पैर में। यस और अरे भाई पिराना में छोटा साइज किसी को चाहिए तो वो भी रखा है आपने? ये अल्बिनो रेडाइज पिराना है भाई। ओके ओके ये वाला 125 इंच के हिसाब से आपको पड़ जाएगा अल्बिनो रेडाइज। हाँ 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 ये अल्बिनो रेडाइज काफ़ी बड़े होने के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और रेयर हो जाते हैं, थोड़ा से महंगे पड़ जाए खरीदिए रहते हैं इनके, आप कभी भी देखना आप लोग, आप अगर बड़ा साइज का अल्बिनो पिराना बाय करने जाएंगे तो आपको प्राइसेस पता चल जाएगा, प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो बच्चे लेके ग्रो कर सकते हैं, अच्छी बात है, इजीली ग्रोथ हो जाते हैं, नॉर्मल पैलेट्स के ऊपर हो जाते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं है, आप इसको इजीली पाल सकते हैं, जैसा नहीं है कलर के लिए ये नहीं नहीं नेचुरल कलर होता है, इनको आप नॉर्मल पैलेट्स पे डाल सकते हैं, गोल्ड फिश का दाना भी चल जाता है इन लोग को, और इसके अलावा आप इसको नॉर्मल नॉनवेज भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम है, अगर आप झींगा वगैरह प्रोवाइड करें तो भी चलेगा, श्रिम्स वगैरह, इसके अलावा आप इसको ब्लड वर्म ड्राई वर्म पे भी रख सकते हैं, बट पैलेट्स पे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी साइज और नॉनवेज के। इसके अलावा मेरे पास जाइंट गुरामी अवेलेबल है रेडाइज में, अल्बिनो रेडाइज। ओके 350 पॉपीज के हिसाब से आएगा मिनिमम साइज इसका, 3.5-3 इंच है। ओके मॉन्स्टर में अगर किसी को चाहिए तो ये वाला फिश आपको मिल जाता है? अगर आप मॉन्स्टर बड़ा मच्छी कुछ रखना चाहते हो
इम्प्रेस्ड हुए हैं। और दिखने में क्या होता है कि जब ये अच्छी साइज़ की हो जाती है ना, बड़ी साइज़ की, तो ये आपके हाथों के उस हिसाब से मूवमेंट करना चालू करती है। ओके, जब बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा इसका पता नहीं, नेचुरली इसको थोड़ा सा ज्ञान कहाँ से आ जाता पता नहीं, बट ये मच्छी आपके हाथों पर खेलेगी बड़ी साइज़ होने के बाद। सवारी भाई, प्लांट्स का तो ऑलवेज ही आप बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लाते हो, और प्लांटेड टैंक कैसे बनाना है इसके बारे में भी बहुत सारे वीडियोस बनाए आपने और बहुत सारा नॉलेज शेयर करते रहते हो, तो इस बार यानी आपने कौन से टाइप के प्लांट्स लाए? यहाँ पे देखेंगे मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज के प्लांट्स है। ये देखेंगे यहाँ पे बनाना अमेजोन है, एक्वारोज है, यहाँ पे कोकम्बाज है, रेड एक्वारोज है, वो बैक साइड में जो है वो एक्वारोज है, वाटर स्टेरिया उसको बोलते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे रेड कोकम्बा, ग्रीन कोकम्बा, यहाँ पे रेड फॉक्सटेल, ग्रीन फॉक्सटेल, रेड माइग्रो, ग्रीन माइग्रो, इसके अलावा पर्पल स्टार, पर्पल एरोमेटिका यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे अम्ब्रेला है, यहाँ पे देखेंगे एग्रोफिलिया, यहाँ पे देखें मकरांडा, यहाँ पे देखेंगे अम्बुलिया है, यहाँ पे देखेंगे दूसरी रेड स्टार है यहाँ पे, इसके अलावा ग्रास की वैरायटी है, बनानाज है, बनाना प्लांट है, यहाँ पे बहुत सारी मिक्स वैरायटी है। आप अगर आप नॉर्मली आपके घर में टैंक बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं 2 फीट का टैंक। प्यारा कलेक्शन लाया अरे भाई, आपने ये डायरेक्ट सॉइल में लगाए हुए है ना? हाँ, सॉइल वाले प्लांट पॉट वाले प्लांट के मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। आप लोग को बता देता हूँ, अभी जो रिसेंटली पॉट वाले प्लांट जो निकले हुए, हाँ जो निकले हुए अभी अभी रिसेंटली आए, इसको जो ईजाद किया गया है, ये सब नॉर्मल ये प्लांट्स के मुकाबले में इतने अच्छे नहीं। तो अरे भाई, यहाँ पे अपने पॉट वाले भी प्लांट्स दिख रहे हैं। हाँ, ये पॉट वाले प्लांट्स है, इसके प्राइस आप लोग को बता देता हूँ, ये आपको 60 रुपीज से स्टार्ट है, यहाँ पे 60-70 रुपीज के रेंज में आपको प्लांट मिल जाएगी। ओके, 60-70 रुपीज में मिल जाएगा ना? अगर आप बल्क में उठाते हो 12-15 पीस उठाते हो तो मैं प्राइसेस चेंज कर दूंगा आपके लिए। ओके, बहुत ही बढ़िया अरे भाई, आपने बहुत ही यानी किसी को कम प्राइस में अगर प्लांटेड टैंक सेटअप करना है तो आपके यहाँ से प्लांट्स लेके जा सकता है। प्लांट्स मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, आप लोग प्लांट लगाते हैं इसके अंदर फर्टिलाइजर लिक्विड और CO2 लिक्विड डालना जरूरी है। वो भी आपके पास में मिल जाएगा अरे भाई? वो भी मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे ये ग्रीन गोल्ड है, ये वाला लिक्विड डालना, हाँ ये लिक्विड फर्टिलाइजर है। इसके अलावा आप लोग को मैंने एक वीडियो में बताया था ना प्लांट मैजिक और ये वाला, वो भी बताता हूँ आपको। स्ट्रक्चर ये दो लिक्विड है, एक प्लांट मैजिक है और ये वाला कार्बन प्लस है, ये CO2 लिक्विड है और ये प्लांट मैजिक, ये फर्टिलाइजर लिक्विड है। अगर आप, मैं आप लोग को एक बात बोलूँगा, ये आपको डेली यूज़ करना है, प्लांट आपने लगाया नया आप बिगिनर हो, आपको डेली यूज़ करो, ये हफ्ते में 3 बार यूज़ करो। ओके, आपके प्लांट एकदम टकाटक रहेंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक हैंग ऑन फिल्टर लगाना है, एक हैंग ऑन लाइट लगाना है ऊपर से, आपको कोई भी गोल्डन सॉइल वगैरह, ब्लैक सैंड या फिर व्हाइट सैंड भी आप नॉर्मली भी यूज़ करेंगे, आप अफोर्डेबल नहीं है अमेजोनिया डालने के, आपके पास पैसा नहीं है तो आप नॉर्मल सैंड में भी ये प्लांट लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। आप नहीं जमेंगे, आपके उतना भी पैसा नहीं है तो आप रिवर सैंड या फिर आप कंस्ट्रक्शन सैंड में भी आप प्लांट लगा सकते हो। ओके भाई, सॉरी भाई, आपने इस बार भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन रखा है, और ऑलवेज ही जैसे अपने कलेक्शन रहते हैं ओल्ड शॉप में नया नया फिश का, बहुत सारे डिफरेंट फिशेस का कलेक्शन रखा है, तो जो भी बायर्स हैं उनको पता चल जाएगा आज की कौन सी वैरायटीज है, तो आपसे बाय करने के लिए डेफिनेटली आएंगे। और आप, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ बोलना चाहोगे? व्यूअर्स लोग से यही बोलूँगा, काफ़ी लोग मेरे वीडियो का इंतजार करते रहते हैं कि आरिफ भाई वीडियो नहीं आ रहा, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, बहुत टाइम हो चुका है। तो मैं आप लोग को बता दूंगा, अभी रात के 1:30 बज चुके हैं, मैं अभी शॉप पे हूँ, मेरे साथ में अनूप भाई हैं और मेरी शॉप इस समय बंद है, और मैं बंद करके वीडियो बना रहा हूँ। ये मुझे काफ़ी लेट हो जाता है, मॉर्निंग में शॉप पे भी आना होता है, 10 बजे दुकान खोलना है मेरे को, फिर दिन भर काम करता हूँ, 1-2 में आता तो लेट हो जाता है, इसके लिए मैं थोड़े से वीडियो अवॉइड कर रहा था। तो इंशाल्लाह वीडियो बनते रहेंगे, और थैंक्स मुझे लाइक करने के लिए। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब